हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में मैं थाईलैंड के बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तब भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप थाईलैंड के बारे में काफ़ी कुछ जान लेंगे। तो थाईलैंड की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाए और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थाईलैंड की इस वीडियो में मैं आपको थाईलैंड के फैक्ट्स, यहाँ पर घूमने का खर्चा, आइटनरी, हिस्ट्री, यहाँ पर कुछ टिप्स आपके लिए क्या हो सकती है, यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है, फूड ऑप्शंस, बेस्ट टाइम टू विजिट, जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटी है और साथ ही साथ यहाँ के डेमोग्राफिक्स बताऊंगा। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में बसी हुई एक कंट्री है जिसका पुराना नाम सियाम है। थाईलैंड पर कभी किसी का राज नहीं रहा है और जिस तरह से हम भारतीय रामायण को मानते हैं उसी तरह थाईलैंड का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वो रामकियन है और ये रामायण का ही थाई वर्जन है। थाईलैंड में वैसे तो ज्यादातर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं लेकिन यहाँ कई सारे भारतीय मंदिर भी हैं क्योंकि यहाँ 13वीं शताब्दी के पहले हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्म के लोग रहा करते थे। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है जिसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु, गणेश और इंद्र और साथ ही साथ ब्रह्मा जी की भी पूजा की जाती है। थाईलैंड में अयोध्या नाम की जगह भी है जो अयोध्या के नाम पर पड़ा है। थाईलैंड में राजाओं का शासन चलता आया है और यहाँ पर राजा के नाम के आगे किंग रामा का यूज किया जाता है। फिलहाल यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है महावजीरा लॉन्गकॉर्न और जिसमें महा शब्द का यूज किया जाता है राजाओं के लिए। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर राजा का, किंग का मजाक उड़ाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। थाईलैंड के पड़ोसी देश म्यांमार और लाओस थाईलैंड के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं जबकि थाईलैंड के निचले हिस्से में मलेशिया पड़ते हैं और थाईलैंड के एक बगल हिस्से में पड़ता है कंबोडिया। तो थाईलैंड के कई सारे पड़ोसी देश हैं। इसके साथ ही जो थाईलैंड का समय चलता है वो हमारे भारतीय समय से लगभग 1.5 घंटे आगे चलता है। थाईलैंड में अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो फिलहाल आपको किसी भी कोविड सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी और बिना सर्टिफिकेट के आप यहाँ पर जा सकते हैं। थाईलैंड के ऊपरी हिस्से में बैंकॉक और पटाया पड़ता है जबकि निचले हिस्से में फुकेट और क्राबी पड़ता है। इसके अलावा चियांग माई और चियांग राई बैंकॉक और पटाया के भी ऊपर पड़ता है। इसके साथ ही को समुई नाम की जो प्लेस है, आइलैंड है, वो यहाँ पर आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। थाईलैंड का जो मेन एयरपोर्ट है वो है यहाँ का सुवर्णाभूमि एयरपोर्ट जो कि बैंकॉक में पड़ता है। इसके अलावा बैंकॉक में एक और एयरपोर्ट है जिसका नाम डॉन मुआंग एयरपोर्ट है। थाईलैंड के टॉप टूरिस्ट सिटीज में नाम आता है बैंकॉक, पटाया, फुकेट और क्राबी का। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन भी हैं जिनमें मुख्य रूप से चियांग माई और चियांग राई जाना जाता है। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक और यहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है वो थाई लैंग्वेज चलती है। थाईलैंड की करंट पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़ के आसपास है। थाईलैंड में ज्यादातर बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग रहते हैं और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो थाई बात चलती है और एक थाई बात के बदले आपको लगभग 2.5 रुपीज देने पड़ सकते हैं। अगर आप थाईलैंड में बिल्कुल ही ऑफबीट प्लेसेस कवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चियांग माई और चियांग राई जा सकते हैं। इसके अलावा कोह समुई नाम के आइलैंड पर भी जा सकते हैं जहाँ की फुल मून काफी पॉपुलर है। और इसके अलावा एक और प्लेस पॉपुलर हो रही है जो कि कोह समुह के पास ही है और वो है सूरत थानी। अब बात करते हैं बैंकॉक की आइटनरी आपके लिए क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बैंकॉक की प्रॉपर आइटनरी की। तो यहाँ पर डे 1 में आप जाते हैं सफारी वर्ल्ड की टूर पर जो कि डे ट्रिप होती है और इवनिंग में आप ये कंप्लीट करने के बाद एशियाटिक जा सकते हैं और डिनर क्रूज के लिए आप आइकॉन सियाम जा सकते हैं। जबकि वही डे 2 की बात की जाए तो आप ग्रैंड पैलेस, वाट अरुण, वाट फो और वाट सकेत जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये मंदिर वाला टूर पसंद नहीं है तो आप कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग से आपके लिए आइटनरी मैंने बना रखी है, वो हो सकती है सी लाइफ ओशियन, मैडम तुसाद म्यूजियम की, सेंट्रल वर्ल्ड और सियाम पैरागॉन मॉल जा सकते हैं, साथ ही महानखोन टावर और इवनिंग में आप नाइट लाइफ के लिए खाओसान रोड या फिर सोई काउबॉय जैसी जगह पर या फिर नाना प्लाजा जा सकते हैं। तीसरे दिन की बात करें तो आप यहाँ के ड्रीम वर्ल्ड, चाइना टाउन, चाटुचक वीकेंड मार्केट में जा सकते हैं और इवनिंग में मिनी वैन से आप सीधे बस पटाया चले जाएं। अब चूंकि हम पटाया में पहुंच गए हैं तो पटाया की आइटनरी कुछ पहले दिन इस तरह से होगी। पहले दिन आप जा सकते हैं यहाँ के टाइगर पार्क, फ्लोटिंग मार्केट, आर्ट इन पैराडाइज और इवनिंग में पटाया बीच और वॉकिंग स्ट्रीट पर जा सकते हैं। जबकि डे 2 की बात की जाए तो डे 2 में आप कोरल आइलैंड का फुल डे टूर कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शनल है सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, बोटैनिकल गार्डन या फिर मिनी सियाम। और अगर ये भी आपको आइटनरी नहीं पसंद है तो एक और ऑप्शनल इस दिन के लिए आइटनरी है, वो आपके लिए हो सकती है रामायणा वाटर पार्क की। इवनिंग में आप मसाज का लुत्फ उठा सकते हैं और जोमेटन बीच पर भी जा सकते हैं। वही डे 3 की आइटनरी की बात की जाए तो आप टर्मिनल 21 जा सकते हैं, रिप्लेस बिलीव और नॉट नाम की एक प्लेस है वहां जा सकते हैं, प्रसिद्ध मार्केट में थोड़ी सी शॉपिंग कर सकते हैं और फिर बैक टू बैंकॉक कर सकते हैं और फ्लाइट ले सकते हैं इंडिया की। ये तो आपकी आइटनरी हो गई 5 नाइट और 6 डेज वाली। अब अगर इसके बाद भी आप अपनी ट्रिप को एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर आपने ज्यादा लंबी प्लानिंग कर रखी है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। सो बैंकॉक और पटाया करने के बाद आप फुकेट आ सकते हैं, लेकिन इसका और एक तरीका, आप बैंकॉक आते हैं, पटाया आप एकदम लास्ट में कर सकते हैं, तो आप पहले बैंकॉक आ जाए फिर उसके बाद फुकेट आ जाए। फुकेट आप बाई बस भी आ सकते हैं और आप बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं, उसकी भी आगे मैं डिटेल दूंगा। फिलहाल हम आइटनरी जानते हैं फुकेट की। फुकेट में आप डे 1 में जा सकते हैं बिग बुद्धा, ATV राइड कर सकते हैं और एलिफेंट राइड भी ले सकते हैं। इसके अलावा टाइगर किंगडम जा सकते हैं और इवनिंग में आप 4 बजे पटोंग बीच पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और नाइट में बांग्ला मार्केट जा सकते हैं। डे 2 की बात करें तो आप फीफी आइलैंड टूर की डे ट्रिप पूरी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शनल है यहाँ पर जेम्स बॉन्ड आइलैंड ट्रिप की, और इवनिंग में आप म्याउ थाई नाम का बॉक्सिंग का शो भी देख सकते हैं और कुछ स्ट्रीट फूड को भी ट्राई कर सकते हैं और फिर उसके बाद बांग्ला मार्केट दोबारा जा सकते हैं। तीसरे दिन की बात करें तो फुकेट में तीसरा दिन आप करोन बीच पे जा सकते हैं, काटा बीच जा सकते हैं, यहाँ के फुकेट ओल्ड टाउन में जा सकते हैं और आप वॉट सलोंग नाम की एक टेम्पल है वहां भी विजिट कर सकते हैं। तो ये आपकी फुकेट की 3 दिन की आइटनरी हो गई। लेकिन अब इसके बाद अगर आप क्राबी जाना चाहते हैं तो क्राबी की भी आइटनरी आपको बताना जरूरी है। फुकेट के बाद आप क्राबी जा सकते हैं और फुकेट से क्राबी की दूरी केवल 150 किलोमीटर के आसपास है, जो कि आप 3 घंटे में पूरी कर सकते हैं। आप बस के थ्रू भी जा सकते हैं, मिनी वैन के थ्रू भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपका क्राबी का आइटनरी क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्राबी में डे 1 में आप अपनी जो ट्रिप है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लेसेस है वो काफ़ी दूर दूर है। तो यहाँ पर आप लगभग सुबह 6 से 7 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट कर दें और आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं टाइगर केव, एमराल्ड पूल और हॉट स्प्रिंग। इसके अलावा इवनिंग में वापस आकर आप यहां पर कवर कर सकते हैं क्लोंग मुआंग बीच। और डे 2 की बात करें तो आप यहां से हाफ डे का कोरल आइलैंड का पूरा टूर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी क्राबी की भी आइटनरी पूरी हो जाएगी। क्राबी में बहुत ज्यादा प्लेसेस देखने के लिए नहीं है, पर यहां पर आप सुकून के काफी समय बिता सकते हैं और अपनी आइटनरी में अगर आप रिलैक्सिंग ट्रिप करना चाहते हैं तो आप 1-2 दिन ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑफ बीट प्लेस की तलाश में हैं तो फिलहाल हमारे भारतीय लोगों के बीच कोह समुई नाम का आइलैंड बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो वहां भी आप जा सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए आपको सूरत थानी तक जाना पड़ेगा, जो कि बैंकॉक से सूरत थानी के लिए आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाती है और वहां पे आप पहुंच जाएंगे। बैंकॉक से जो बस मिलती है वो आपको मिलती है साई ताई माई बस स्टैंड है वहां से भी मिल जाती है और मोशित बस स्टैंड है वहां से भी मिल जाती है। फिलहाल आप साई ताई माई जो बस स्टैंड है वहीं से बस ले, वो बेटर होगा। अब यहां पर इसके अलावा हिल स्टेशन जो मैंने आपको पहले ही बताया था चियांग माई और चियांग राई है, लेकिन यहां पर आपको ज्यादातर टेम्पल्स ही देखने को मिलेंगे और यहां पर बहुत ज्यादा भारतीय टूरिस्ट आते भी नहीं है, लेकिन ऑफ बीट की तलाश में है तो यहां पर जरूर जाएं। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि यहां पर नाइट लाइफ कहां पर होती है, तो सबसे पहले बैंकॉक की बात करें तो बैंकॉक में जो नाइट लाइफ होती है वो होती है सोई काउबॉय में होती है, नाना प्लाजा में होती है और खाओसान रोड में होती है, पर वहां पे एडल्ट नाइट लाइफ नहीं होती है। पटाया की बात करें तो पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट पर है और यहाँ की भी नाइट लाइफ यहीं पर होती है और पटाया बीच पर भी आपको थोड़ी सी नाइट लाइफ मिल जाएगी। और इसके बाद अगर फुकेट की बात करें तो फुकेट में बांग्ला मार्केट है, पटोंग बीच है, उसके आसपास में आपको नाइट लाइफ मिल जाएगी। इन सभी जगहों पर आपको एडल्ट एक्टिविटी भी मिल जाएगी। अब अगर क्राबी की बात करें तो इन सब के कंपैरिजन में आपको क्राबी में नाइट लाइफ ना के बराबर मिलेगी। जो भी लोग यहाँ पर एडल्ट एक्टिविटी करना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम खर्चा 3,000 रुपये से 4,000 रुपये तक का हो सकता है। वहीं अगर आप यहाँ पर मसाज वगैरह करवाना चाहते हैं तो मिनिमम आपका 500 रुपये तक लग सकता है। और इसके अलावा अगर आप क्लब में या गोगो बार में यहाँ पर जाते हैं तो क्लब में आपको नेकेड डांस वगैरह भी सब दिख जाता है और ये एक्टिविटी करने के लिए आपको केवल खर्च करने पड़ेंगे 300 से 400 रुपये। इसके लिए आपको लेडी ड्रिंक ऑर्डर करनी होती है, वहाँ पर जस्ट बैठना होता है और जब तक आप वो ड्रिंक
खत्म करते हैं तब तक आप वहां पर बैठ सकते हैं और वहां पर आप डांस वगैरह जो भी है वो देख सकते हैं। थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एकोमोडेशन यानी कि होटल की पूरी बुकिंग होनी चाहिए, वो आप पूरा एकदम हार्ड कॉपी में लेकर साथ में रखें। दूसरी चीज़ आपकी रिटर्न की फ्लाइट की बुकिंग होनी चाहिए जो कि 15 दिन के अंदर की ही होनी चाहिए। और तीसरी जो आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट की फ़ोटो भी दो आप अपने साथ कैरी कर लें। और साथ ही साथ अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 25,000 रुपये होने चाहिए और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं 3-4 लोग हैं तो आपके पास 50,000 रुपये होने चाहिए। जनरली ये थाई बात में हो सकते हैं या फिर डॉलर रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इन सभी चीज़ को आप एक फाइल में कैरी कर लें जिससे आपको ज़्यादा आपाधापी न करना पड़े और आराम से एक जगह सारी डॉक्यूमेंट्स रखे रहें। अगर आपको मन में डाउट है कि आपको कैश कैरी करना चाहिए या फिर कार्ड के थ्रू भी आपका काम हो सकता है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। आप अपने साथ कैश ही कैरी करें लेकिन आप थाई बात या फिर करेंसी में आप US डॉलर कैरी कर सकते हैं साथ में और ये आप इंडिया में ही कन्वर्ट करवा लें। कन्वर्ट कहाँ पर होता है वो होता है आपका प्राइवेट बैंक्स में आप करवा सकते हैं या फिर कुछ बैंक्स में भी होता है, गवर्नमेंट बैंक में भी हो जाता है। और इसके अलावा आप थॉमस कुक जो कि कंपनी है वहाँ पे भी करवा सकते हैं। इसके लिए आप सावधान रहें, कुछ ऐसी जो मैंने ऑथराइज जगह बताई है वहाँ से ही कन्वर्ट करवाएं क्योंकि आपको हो सकता है फेक करेंसी भी मिल जाए, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। अब यहाँ पे इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि कार्ड का क्या करें, कार्ड लेकर जाएं तो कुछ फोरेक्स कार्ड होता है वो भी आप ले जा सकते हैं लेकिन आपका जो करेंसी जो कार्ड होता है इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है तो वो भी जनरली चल जाता है तो उसको भी आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन इसके भरोसे पर आप ना जाएं क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरनेशनल कार्ड बाहर वर्क नहीं करता है। और ATM से विड्रॉवल तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एक बार में 400 से 500 रुपये विड्रॉवल का चार्ज लग जाता है, तो बेटर यही है कि आप कैश को कैरी करें। थाईलैंड में बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो लीगल है, यहाँ पर तो खुले में होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। और यहाँ पर जनरली ये होता है, और गवर्नमेंट का मैं क्या ही बोलूँ कि सपोर्ट करती है क्या की है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ कि ये बिल्कुल यहाँ पर इलीगल है। यहाँ पर अगर आप स्कूटी हायर करते हैं तो स्कूटी हायर करते समय आप उसकी पूरी वीडियो भी बना लें जिससे आप प्रूफ कर सकें कि भाई कोई स्क्रैच या कुछ लगे तो पहले से लगे या फिर आपने नहीं लगाए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही यहाँ पर आपके स्कूटी रेंटल के लिए वो आपसे पासपोर्ट आपका कैरी कर रख सकते हैं, कुछ जगहों पर रखते भी हैं, कुछ जगहों पर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करवाते हैं, लगभग 2 से 3 हज़ार बात थाई बात करवाते हैं। तो बेहतर है कि आप चाहे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सिक्योरिटी अमाउंट भी दे सकते हैं, आप पासपोर्ट भी डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा यहाँ पे पासपोर्ट ही डिपॉजिट कर देता हूँ तो ऐसा सेफ ही होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि लोग पूछते हैं कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती है तो वहाँ पे क्या घूम सकते हैं। आराम से घूम सकते हैं, इस बात की बिल्कुल भी आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप घूम नहीं सकते हैं। आपको काम चलाओ भी इंग्लिश आती है तो आप वहाँ पे समझा सकते हैं और जनरली वहाँ पे लोग समझ भी जाते हैं क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसका कोई आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी के कॉन्सर्न की बात करें तो थाईलैंड सेफ प्लेस है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी एरियाज हैं, सुनसान एरिया होते हैं या फिर ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कुछ स्कैम वगैरह हो सकते हैं। विशेषतः जो एडल्ट एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं या फिर कोई आपको लेकर जा रहा है, तो कई बार ठीक भी होता है लेकिन कई बार ये अनसेफ भी हो सकता है, तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। यहाँ पर वेज फूड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको हर जगह ही वेज फूड मिल जाएंगे और रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी सारे हैं। नॉन वेज वेज वाले कॉम्बिनेशन वाले भी हैं और प्योर वेज वाले भी हर जगह मिल जाते हैं। अपने साथ रॉ पैकेज फूड भी साथ में रख लें, कैरी कर लें जिससे आपको परेशानी ना हो, जैसे कि ब्रेड बटर हो गया, ठेपला हो गया, मैगी हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब चीज़ें अगर आप रखे रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। इसके अलावा ये भी ऑप्शन है कि आप अपार्टमेंट में भी यहाँ पर रुक सकते हैं जहाँ पर किचन वगैरह होते हैं, तो अपार्टमेंट आप बुक कर सकते हैं जनरली agoda.com या फिर आप booking.com के थ्रू बुक कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको मतलब किचन मिल जाता है तो आप अपने मन से जो चाहे वो बना सकते हैं। यहाँ के मार्ट वगैरह में आपको जो दाल वगैरह हो गया, राइस वगैरह हो गया, वो ईजिली मिल जाते हैं। मार्ट के लिए 7-Eleven जनरली बेस्ट होता है लेकिन यहाँ पर आपको ये दाल वाले और इंडियन वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको कुछ बड़े मार्ट ही ढूंढने पड़ेंगे। अपने पासपोर्ट को आप हमेशा अपने साथ कैरी करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका चेक हो सकता है पासपोर्ट, और कभी कभी ये भी होता है कि जब आप स्कूटी के लिए अपना पासपोर्ट डिपॉजिट कर देते हैं तो उसकी जो रिसिप्ट मिलती है स्कूटी रेंटल की, तो उसको साथ में कैरी करें क्योंकि चेक होगा तो आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा, तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने स्कूटी हायर की थी इसलिए मेरे पास स्कूटी का रिसिप्ट है और वहाँ मैंने डिपॉजिट कर रखा है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें।
किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर आप जा रहे हैं तो सिम कार्ड आपके पास होना जरूरी है, और सिम कार्ड आप इंडिया से ना ले जाएं, आप वहीं पर जाएं। थाईलैंड में जब पहुंच जाएं तो थाईलैंड के एयरपोर्ट पर आपको इजीली सिम कार्ड मिल जाएगा, आपका पासपोर्ट देखेंगे और आपको दे देंगे। सिम कार्ड की जो प्राइस होती है जनरली 500 से 1500 रुपए होती है, लेकिन सस्ता ऑप्शन भी है, इससे कम में आधे दाम में भी लगभग 750 रुपए में भी 500 रुपए में भी आपको सिम कार्ड मिल जाता है। वो कैसे मिलता है, इसके लिए मैंने बैंकॉक की जो वीडियो बनाई है उसको आप देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल बता रखी है। थाईलैंड की आइटनरी की बात की जाए तो यहाँ पर जनरली तीन तरह की आइटनरी चलन में है। पहली है यहाँ पर 5 नाइट 6 डेज की, जिसमें 3 रात पटाया और 2 रात बैंकॉक, जबकि दूसरी तरह की यहाँ पर जो आइटनरी चलती है वो होती है 8, 9 और 9 डेज की, जिसमें 3 रात फुकेट में और 3 रात पटाया और 2 रात बैंकॉक में। जबकि तीसरी तरह की आइटनरी की बात की जाए तो यहाँ पर 11 नाइट्स और 12 डेज की चलती है, जो कि यहाँ की जनरली सबसे लंबी आइटनरी आप मान सकते हैं भारतीयों के बीच जो पॉपुलर है, जिसमें 3 रात फुकेट, 2 रात क्राबी, 3 रात पटाया और 2 रात बैंकॉक में आप बिताते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ पर आपके लिए अलग अलग सिटीज में क्या बेस्ट माध्यम हो सकता है और कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है। अगर सबसे पहले बैंकॉक की बात करते हैं तो बैंकॉक में आपको बस भी मिल जाएगी, मेट्रो भी मिल जाएगी, टैक्सी भी मिलेगी, बोट भी मिलेगी और टुकटुक भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप स्कूटी रेंट पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप स्कूटी के लिए स्कूटी मंगा सकते हैं, एज ए ड्राइवर आपके लिए स्कूटी लेकर आएगा और आप उसके पीछे आप बैठ के कहीं भी घूम सकते हैं। इसके लिए आप ग्रैब ऐप का यूज कर सकते हैं। अब सबसे बेस्ट आपके लिए यहाँ पर घूमने के लिए क्या हो सकता है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए यहाँ पर टैक्सी हो सकता है अगर आप 3-4 लोग हैं, और अगर आपको बस या मेट्रो की अच्छी जानकारी है तो ये भी आपके लिए बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। अब इसके बाद पटाया की बात करें तो पटाया में जो ट्रांसपोर्टेशन है उपलब्ध वो है टैक्सी, शेयरिंग पिकअप और स्कूटी भी आप यहां पर रेंट कर सकते हैं। और यहां पर वैसे मेरे हिसाब से जो बेस्ट आपके लिए होगा वो शेयरिंग पिकअप होगा, वो इसलिए क्योंकि ये आपको 10 से 20 बात में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं और काफी मतलब 2-4 किलोमीटर तक कर देते हैं। और साथ ही यहां पर अगर आप स्कूटी रेंट करते हैं तो यहां पर चालान वगैरह काफी होते हैं, क्योंकि उसके लिए इंटरनेशनल DL चाहिए होता है, जो कि हमारे पास जनरली होता नहीं है, तो इसलिए बेहतर यहां पर यही होगा कि आप शेयरिंग पिकअप से जाएं और ये काफी सस्ता आपके लिए पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे फुकेट की, फुकेट में आपके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो यहाँ पर स्कूटी रेंटल आप कर सकते हैं, यहाँ पर टैक्सी भी है, यहाँ पर शेयरिंग बस भी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि शेयरिंग बस आपको फ्रिक्वेंटली नहीं मिलती है, तो उसका बेटर ऑप्शन यहाँ पर सबसे जो होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए होगा घूमने के लिए वो होगा स्कूटी रेंटल के लिए। हालांकि यहाँ पे भी चलान होते हैं, अब चलान कितने का होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, लगभग 400 से 500 थाई बात का होता है लगभग, मतलब अगर आपकी पकड़ाती है गाड़ी तो आपका एक बार में 1200 से 1500 रुपए का चलान हो सकता है, हालांकि उस चलान को लेके आप एक दिन फिर घूम सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ का पूरा रूट मैप बता देता हूँ, बाई बस आपको कैसे जाना है, बाकी बाई फ्लाइट भी आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर जो रूट मैप होगा आपका पूरी ये आइटनरी ही एक तरह से है, लेकिन डे वन वाइज आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, इसको जानने के बाद आपके लिए थाईलैंड घूमना काफी आसान हो जाएगा और काफी ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कैसे है ये। तो पहले दिन डे वन में आप बैंकॉक में आते हैं फ्लाइट से, और बैंकॉक में ही आप स्टे करेंगे, आइटनरी बाकी मैंने जो बताया उसको आप फॉलो करेंगे। डे टू में भी आप बैंकॉक में ही रहेंगे और बैंकॉक में ही स्टे करेंगे। इसके बाद डे थ्री आता है, तो डे थ्री में आप बैंकॉक से क्राबी जाएंगे बाई बस, और ये आप इवनिंग बस लेंगे और रात भर आप आराम से बस में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टॉयलेट वगैरह बस में ही होता है। फिर उसके बाद डे फोर में आप क्राबी पहुंच जाएंगे और आप आराम से स्टे करेंगे क्राबी में उस दिन। डे फाइव की बात करें तो डे फाइव में भी आप क्राबी में ही स्टे करेंगे, जो आपको डे वाइज मैं बता रहा हूँ ये पूरा आप आइटनरी को फॉलो करना। डे सिक्स में आप मॉर्निंग बस पकड़ेंगे क्राबी से फुकेट के लिए, जो कि मात्र केवल आपको 3 घंटा से 4 घंटा लेगी, और आप आज के दिन स्टे करेंगे फुकेट में। डे सेवन की बात करें तो आप फुकेट में ही स्टे करेंगे और यहाँ की प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। डे एट में आप फुकेट से बैंकॉक के लिए जाएंगे बाई नाइट बस, और आप रात भर बस में रहेंगे। इसके बाद डे नाइन की बात करेंगे तो आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे बैंकॉक में, और फिर यहां से आप बस लेंगे पटाया की, और फिर पटाया एक्सप्लोर करेंगे और पटाया में स्टे करेंगे। डे 10 की बात करें तो आप यहां पर पटाया में ही स्टे करने वाले हैं। डे 11 की बात करें तो यहां पर पटाया में ही आप स्टे करेंगे, और डे 12 की बात करें तो यहां पर आप पटाया से बैंकॉक जाएंगे। और पटाया से बैंकॉक कैसे जाना है, मात्र 150 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे लगते हैं, मिनी वैन आपको जोमेटन बीच से मिल जाएगी और आपको पटोंग बीच से मिल जाएगी। मैंने पूरी वीडियो सबकी बना रखी है, वो भी आप देख लेना, जिससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो आप मिनी वैन पकड़ के वापस बैंकॉक जाओगे और फिर उसके बाद फ्लाइट लोगे और वापस इंडिया आ पाओगे।
पा जाओगे। तो ये आपकी पूरी 12 दिन की प्रॉपर आइटनरी होगी। बात करें अगर फ्लाइट की, अगर आप फ्लाइट से ये आइटनरी फॉलो करते हो तो सारी चीज़ सेम होगी, बस आप एक तरह से जल्दी पहुंच जाओगे। पूरी आइटनरी की डिटेल आपको मैंने दे दी है, आप उसको देख लो, सेम ही है ऑलमोस्ट, और एक्सप्लेन करने की उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैंकॉक से पहले सीधे क्राबी क्यों जा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंकॉक से आप क्राबी या फुकेट पहले चले जाते हैं तो सपोज कोई कैंसिलेशन फ्लाइट का होता है या बस का कैंसिलेशन होता है तो लास्ट का जो टाइम रहेगा आप बैंकॉक के आसपास में ही रहें, तो इसीलिए मैंने लास्ट में आपको पटाया के पास में रखा हुआ है, तो इसलिए इस तरह की कुछ आइटनरी बनी है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैंकॉक से मैं फुकेट या क्राबी पहले क्यों कवर करवा रहा हूँ। ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आप पहले ही फुकेट या क्राबी कवर कर लेते हैं तो इससे ये फायदा होगा कि आपकी जो दूर की प्लेस है वो पहले कवर हो जाएगी और आप बैंकॉक या पटाया के आसपास में ही रहेंगे। जनरली क्या होता है, कभी कभी फ्लाइट या बस या कुछ कैंसिलेशन हो जाता है तो ऐसे केस में आप बैंकॉक के पास में लास्ट में रहेंगे और आपके पास टाइम रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और आप पास में इजिली पहुँच जाएंगे और वापस आने के लिए आपके पास टाइम बचेगा। बहुत सारे लोगों के मन में अब जिज्ञासा होगी कि क्या यहाँ का बजट हो सकता है, तो यहाँ पर मैं एक एक बजट आपको क्लियर कर देता हूँ और जो थाईलैंड की वीडियोस मैंने बनाई है 4 या 5 पार्ट में उसको आप ज़रूर देख लेना ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, इमेजिनेशन एक आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बैठ के ही आपको केवल बता रहा हूँ। तो फ्लाइट का यहाँ पर जो खर्चा आने वाला है आपका, जनरली कोलकाता से अगर आप जाते हैं तो आपका आने और जाने का 18,000 रुपये टोटल लग सकता है एक पर्सन का। इसमें सस्ती फ्लाइट्स भी मिलती है एयर एशिया वगैरह की, लेकिन उसमें बैगेज इंक्लूड नहीं होता है और वो 12,000 तक में भी आने जाने की मिल जाती है। आप इसके लिए कई सारी मैंने मतलब वेबसाइट आपको बता सकता हूँ, GoIBIBO वगैरह, ये सब से आप मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग ऐप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप देख ले 4-5 ऐप जिसमें सस्ता हो उसके थ्रू करें। इसके बाद जो मेजर खर्चा आपका जो होना ही होना है, जिसको आप नहीं बचा सकते हो, वो है वीज़ा का। फिलहाल यहाँ पर वीज़ा के लिए आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे जिसमें आपको 15 दिन का स्टे मिलता है। अब अगर आप 15 दिन से ज़्यादा स्टे अगर बढ़ा देते हैं तो आपको 500 रुपये पर डे पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इसको प्रेफर करें क्योंकि इसके बाद आपका फेस इम्प्रिजनमेंट वगैरह भी हो सकता है, मतलब आपको वहाँ पर बैठाया जा सकता है, जेल वगैरह हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें 15 दिन तक ही आप रहे। इसके बाद होटल की बात, अगर ज़्यादा दिन आप रहना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ, तो उसके लिए आप थाईलैंड के एम्बेसी में जाएं और प्रॉपर आप अगर 30 दिन रहना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब होटल की बात करें तो होटल का खर्चा आपका यहाँ पर आ सकता है 10,000 रुपये टोटल आएगा। मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग कम से कम 2 लोग जा रहे हैं तो टोटल 20,000 खर्चा आएगा, लेकिन 10,000 एक पर्सन पे आएगा। फूड का खर्चा आपका यहाँ पर आ सकता है 15,000 रुपये का। ये आपका इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर खर्चे ज़्यादा हैं फूड के, और आप कोशिश करें कि होटल में ही ब्रेकफास्ट वगैरह और डिनर वगैरह इंक्लूड करा लें अगर आपको सस्ता पड़ रहा है तो, अदरवाइज़ आपका डेली का खर्चा आप मान के चले कि 1500 रुपये तो हो ही जाना है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आपका लगभग इसमें 10,000 रुपये का खर्चा आना है, और आप टैक्सी से करें या इसमें बचत कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये टैक्सी वाला है आपके लिए जो बताया है। आइलैंड का जो टूर है वो आपका लगभग लग सकता है 10,000 का, और वाटर स्पोर्ट्स करते हैं तो उसमें भी 10,000 का खर्चा लग सकता है, और एंट्री फीस जैसे टाइगर पार्क वगैरह जा रहे हैं या फिर कोई भी प्लेस ऐसी ही जहाँ पे एंट्री फीस लगती है, तो इसको भी टोटल आप 10,000 मान कर चलें कि इतना खर्चा आएगा। अब इसका टोटल करेंगे तो लगभग 88,000 रुपीज़ का खर्चा होगा, लेकिन आपको सस्ता बजट भी मैं बताने वाला हूँ। ये तो आपका टोटल पर पर्सन खर्चा हो गया, अगर आप बढ़िया से घूमना चाहते हैं और सारी सुविधाओं के साथ टैक्सी वैक्सी ये सब का यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको सस्ते में घूमना है तो उनके लिए भी मैं बचत वाला बता देता हूँ। जैसा कि मैंने फ्लाइट वाला बताया आपको कि एयर एशिया की फ्लाइट होती है कोलकाता से जाती है 12,000 रुपए का खर्चा लगता है, तो वो फ्लाइट आप ले सकते हैं, 12,000 एडवांस बुकिंग कर लें, 12,000 फ्लाइट का खर्चा आएगा। वीजा का आपका 5,000 ही लगना है, इसमें आप नहीं बचा सकते हैं। होटल का आप कम कर सकते हैं क्योंकि होटल यहां सस्ते भी हैं, हॉस्टल है, तो आपका खर्चा ओवरऑल 5,000 रुपये लगेगा, मतलब 500 रुपये पर डे में आप घूम सकते हैं। ये मैं पूरे आपका 10 दिन का जो आइटनरी 10 से 12 दिन का वो आइटनरी के हिसाब से खर्चा बता रहा हूँ। फूड में भी आप पैसे बचा सकते हैं क्योंकि सस्ते फूड ऑप्शन है यहाँ पर कई जगहों पे, तो उसमें आपका टोटल 7,500 रुपये का खर्चा आएगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो आप बस का यूज़ करें, आप मेट्रो का यूज़ करें, आप शेयरिंग जीप का यूज़ करें, जिससे आपके टोटल 7,500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे आएंगे। आइलैंड टूर भी आप बहुत ज़्यादा प्रेफर ना करें, और सस्ते आइलैंड टूर जैसे कोरल आइलैंड का पटाया से टूर कर लेते हैं तो आपकी बचत हो सकती है, उसमें आपके फिर 5,000 रुपये ओवरऑल खर्चे होंगे। वाटर स्पोर्ट्स भी इसमें ऐड करवा लेंगे तो 2,000 रुपये वाटर स्पोर्ट्स का ऐड करवा लें। बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे।
एंट्री फीस वगैरह आप टोटल जोड़ सकते हैं 5,000 रुपए, तो इसको टोटल करेंगे तो 49,000 में भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो ये आपका पूरा खर्चा होगा। इसके अलावा बैंकॉक और पटाया का जो खर्चा है ओवरऑल, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी पूरी हो जाए। थाईलैंड में बहुत सारे लोग जॉब भी करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए भी क्या अपॉर्चुनिटी वो बता देता हूँ। यहाँ पर जॉब के लिए जो बेस्ट सेक्टर है वो टूरिज्म का ही सेक्टर है, और आप चाहे तो जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए यही टूरिज्म सेक्टर बेस्ट होगा। वीजा ऑन अराइवल जो आपको मिलता है उस पर आप वर्क नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान दें, क्योंकि जब वो वीजा आपको मिलता भी है तो उस पर साफ लिखा होता है वर्क प्रोहिबिटेड, तो इस बात का ध्यान रखें। और जो वर्क वीजा आपको मिलता है वो जनरली 90 दिन के लिए मिलता है, वो वर्क वीजा या बिजनेस वीजा जो भी कर ले वो 90 दिन के लिए आपको मिलेगा। लेकिन आपको जो बिजनेस वीजा के लिए या फिर जॉब के लिए जो वीजा मिलता है उसके लिए आपको कई चीजें चाहिए होती है। जैसे जॉब के लिए आपको चाहिए होगी लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेटर ऑफ इन्विटेशन के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर बिजनेस के लिए आप चाहते हैं तो आपको बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो चाहिए होगा, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, BOI लेटर एक होता है वो चाहिए होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का लेटर चाहिए होगा। तो ये काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन है, इसको कंप्लीट करना होता है तभी आपको बिजनेस का यहाँ पर वीजा मिलता है। जनरली बिजनेस का वीजा आसानी से नहीं मिलता है, और यहाँ पर अलग अलग सिटी के लिए जो ये वीजा के रूल्स भी हैं बिजनेस के वो अलग अलग भी होते हैं। थाईलैंड की इकोनॉमी डिपेंड करती है 50% तक टूरिज्म और सर्विस सेक्टर पर, वहीं यहाँ पर 40% इकोनॉमी डिपेंड करती है आपकी इंडस्ट्री पर, और वहीं 10% केवल इकोनॉमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। यहाँ पर बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है। पर एक बात आपको जो हैरान करेगी वो यहाँ पर जो FD का इंटरेस्ट रेट है वो आपको यहाँ पर 1.5% से 2% एनुअली केवल मिलता है, वही हमारे इंडिया में FD पर इंटरेस्ट लगभग 7% तक मिलता है। और अगर बात करें यहाँ पर होम लोन की बात, तो यहाँ पर होम लोन आपको मिल जाता है केवल 4 से 6% में, वही हमारे इंडिया में 10% तक मिलता है। मैंने एक पूरी चेकलिस्ट बना रखी है, और इस चेकलिस्ट को आप अच्छे से जान ले कि आपके पास क्या क्या होने चाहिए। पहली है वीजा डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, पासपोर्ट फोटोज अपने साथ में रखें, टिकट्स कैरी करें, अम्ब्रेला रख लें, सनग्लासेस भी रख लें क्योंकि जरूरी होता है, ये सब गर्मी बहुत पड़ती है, मेडिकल किट जरूर रखें जो आपकी जनरली नेसेसरी दवाएं हैं वो रख लें, सनस्क्रीन वगैरह रख लें, रॉ पैकेज्ड फूड जैसा कि मैंने बताया वो रख लें, फोटोज वगैरह के लिए सेल्फी स्टिक रखें, सिम का इजेक्टर भी रख लें क्योंकि कई बार जरूरत पड़ती है इसकी भी। साथ ही आप अपने साथ जो कपड़ों में सॉक्स वगैरह रख लें, कैप और हैट वगैरह रख लें, स्मॉल बैग अपने साथ रखे रहें, और वाटर बॉटल तो हमेशा ही कैरी करें, तो इस बात का आप ध्यान देंगे तो आपकी जो ये चेकलिस्ट है पूरी रखें। बाकी आप भी कुछ चेकलिस्ट जानते हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दें। तो थाईलैंड की ये काफ़ी सारी जानकारी जो आपको मैंने दी आई थिंक आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, और अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल भी गई होगी। जो जानकारी मिसिंग होगी वो आपकी मैंने जो थाईलैंड की बैंकॉक, पटाया, फुकेट और क्राबी की वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं, और इमेजिनेशन आपको पूरी क्लियर हो जाएगी, देख लेंगे आप तो, और घूमने के लिए आसानी से प्लान बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।